हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कहिए, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज मकर संक्रांति का दिन है और सुबह 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 का टाइम है और इधर मैं नहा करके आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रूम भी कैसे फैला हुआ है, क्योंकि आज मैं अपनी ननंद रानी को मनाने के लिए जा रही हूँ, तो उसी की तैयारी में लगी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं सामान अपनी ननंद रानी के लिए लेकर आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी मैंने आपको जब मैं गई थी शॉपिंग के लिए तब भी दिखाई थी, तो मैंने जब आपको नहीं बताया था कि ये मैंने किस लिए ली है, तो ये मैंने ली है अपनी ननंद रानी के लिए। तो मैं आपको इसे निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस पर ये सिल्क का बॉर्डर है रेड कलर में और डार्क ग्रीन कलर की ये साड़ी है, और इस साड़ी का कपड़ा भी बहुत सुंदर है। तो जब अभी नंद रानी आ जाएंगी तो मैं इसे पहना करके भी आपको दिखाऊंगी। और ये लिया है मैंने लॉन्ग स्वेटर अपनी ननंद के लिए, तो इधर मैंने छोटे वाले स्वेटर नहीं लिए हैं, लॉन्ग कोट जो होता है वुलन में वही मैंने लिया है। और इसका जो कपड़ा है वो भी काफ़ी अच्छा है, और सर्दी के लिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसको ही ननंद रानी के लिए लिया है और इसी को मैं उन्हें दूंगी। तो इसको फोल्ड करके रख लेते हैं। और हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति वाले दिन इसी तरह से अपने जो ससुराल पक्ष के नंद होती हैं, जेठानी होती हैं, सास होती हैं, उनको कपड़े वगैरह देके मनाया जाता है। और ये शॉल मैंने उनके लिए ली थी, तो इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ और आपको ये अच्छे से दिख भी रहा है। तो इस तरह से ये रेड कलर का शॉल मैंने उनके लिए लिया है, जिसे कि मैं उन्हें देने वाली हूँ। और इस तरह से मैंने इसको अपने कंधे पर भी डाल करके देख लिया था। और नंदोई जी के लिए है एक ये वुलन जैकेट जो कि इस तरह की है, और ये काफ़ी गर्म भी है और काफ़ी अच्छी भी है इस तरह से। और अब आ गई है मेकअप बॉक्स की बारी, तो ये मैं इनके लिए लेकर आई हूँ एक मेकअप बॉक्स, और इसी में मैंने मेकअप का सारा सामान रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं लेकर आई हूँ अपनी ननंद रानी के लिए मेकअप बॉक्स, और इसमें ये कुछ सामान मैंने रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसमें लाई हूँ मैं ये चांदी की बिछियाँ जो कि मैं अपनी ननंद रानी को देने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, और ये रेडीमेड जूड़ा मैंने लिया है, और क्योंकि मैंने उनकी ग्रीन कलर की साड़ी ली है तो ये ग्रीन कलर के कंगन मैंने लिए हैं उनके लिए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और बाकी ये सॉक्स हैं, हैंकी है, और ये बिंदी है, कंघा है, सिंदूर है, और लिपस्टिक, पिन, हेयर पिन, नेल पेंट, और मेहंदी, और ये क्लैचर, और ये कॉम्ब। तो आप देख देते हैं ये सारा सामान आज मैं इसे तैयार करूंगी अपनी ननंद रानी को, और जब वो आएंगी। फ्रेंड्स, ये चप्पल भी मैं लाई थी अपनी ननंद रानी के लिए, बट ये साइज़ उनको छोटा रह गया है, तो अब मैं उनको दूंगी चप्पल की जगह पर पैसे, तो ये उनको फिट नहीं आएंगी, ये साइज़ उनके लिए छोटा रह गया था। और ये कुछ सामान मैंने लिया है जिसका कि टोटल वेट 14 kg है। फ्रेंड्स, इधर नंद रानी आ चुकी हैं, और इधर जो लेडीज़ लोग हैं वो भी आ चुकी हैं, तो अब मैं अपनी ननंद रानी को मनाऊंगी, यानी कि जो मैं सामान उनके लिए लेकर आई थी वो मैं इनको पहनाऊंगी और तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले लास्ट टाइम भी मैंने सोचा था, बट उस टाइम पर मेरा प्रोग्राम नहीं बन पाया था, तो अब की बार मैंने प्रोग्राम बना लिया था।
वो उसी के लिए मैं शॉपिंग करने गई थी मार्केट, और इधर जो मैं साड़ी लेकर के आई थी वो मैं पहना रही हूँ इनको, और इधर लेडीज़ लोगों का जो है हंसी मजाक का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जब चार लेडीज़ इकट्ठी होती हैं तो उनकी जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, ये नेचुरल हो ही है। तो इधर इनको साड़ी पहना रही हूँ, और ब्लाउज़ अभी इसका तैयार नहीं हुआ था क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले ही साड़ी लेकर के आई थी, और जो दीदी साड़ी पहन कर आई थी उसी का ब्लाउज इसके साथ थोड़ा मैच कर गया है कंट्रास्ट में, और इस तरह से साड़ी को मैंने पिनअप कर दिया है। और ये बच्चों ने बोला था बुआ को कि आप हाय करिए, तो ये देखिए इन्होंने मजाक के मूड में किस तरह से हाय किया है, और अब इनको लग रही है ठंडी। तो इधर मैं फटाफट से जो कार्डिगन है उसके बटन खोल करके अब मैं इनको कार्डिगन पहनाऊंगी। और उसके बाद जो शॉल मैं लेकर आई थी वो शॉल भी मैं इनको पहनाऊंगी। तो फ्रेंड्स शॉल भी मैंने इनको डाल दिया है, और उसके बाद जो दीदी हैं वो बिछिया पहन रही हैं, और उसके बाद मैंने इनको जो कंगन में लेकर के आई थी वो कंगन में इनको पहना रही हूँ, और अब मैंने इनको बिंदी लगाई है, और बिंदी लगाने के बाद दीदी सॉक्स पहनने के लिए बैठी हुई थी, तो मैंने इनको बोला कि अभी रुको दीदी, पहले मैं आपको सिंदूर लगा देती हूँ। तो इधर मैं इनको लगा रही हूँ सिंदूर, और अब बस लास्ट में रह गई है हमारी लिपस्टिक। तो अब मैं लगाऊंगी इनको लिपस्टिक, और लिपस्टिक के बाद मैंने इनको कर दिया है फुली फाइनल तैयार। और जो मैं चप्पल दीदी के लिए लाई थी वो छोटी रह गई हैं, तो अब मैं उनको चप्पल नहीं दूंगी, उनके चेंज करके उन मतलब चप्पल नहीं दे करके मैं उनके पैसे दे दूंगी दीदी को, क्योंकि वो चप्पल छोटी आ गई थी मेरे से। और अब मैंने दीदी को क्लैचर भी लगा दिया है, और अब इनको फाइनली तैयार भी कर दिया है, और लास्ट में अब आ गई है मुंह मीठा करने की बारी। तो अब मैं जो है दीदी का मुंह मीठा करूंगी, तो इधर स्टॉल को अच्छे से सेट कर रही हूँ, और मैंने दीदी के साथ एक पिक करा ली थी, और अब लास्ट में मैंने दीदी का मुंह मीठा करा दिया है। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक।